हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, लास्ट वीक से लेकर कल तक जो भी आपने मुझे कमेंट्स किए, वो कमेंट्स आपने मेरी प्रशंसा को लेकर किए, चैनल को लेकर किए, लेकिन उन कमेंट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं भी थी। उन सबका फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में वहां रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उनमें से आपके ही कमेंट्स लिए हैं, कॉमन कमेंट्स मैंने लिए हैं और उनका मैं आपको आज रिप्लाई कर रहा हूं। आप लेक्चर देखिएगा, हो सकता है इसमें आपका कमेंट शामिल हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, ये एक मून शाइन लिखते हैं कि सर, GIC बैक ईयर पेपर प्रैक्टिस किस बुक से करें? देखिए, जो फिलहाल आप GIC की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो किस बुक से करने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, मार्केट में एक यूथ कंपटीशन के नाम से एक प्रीवियस पेपर्स का सेट है और मुझे लगता है अबाउट 300 MRP उस बुक का है, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैंने वो बुक ली है, वास्तव में बहुत अच्छी बुक वो लगी है। आप उससे तैयारी करें, आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। उम्मे तमीम ये लिखते हैं, सर प्लीज गिव मी 2 वीडियोस इन अ डे इफ पॉसिबल। देखिए फ्रेंड, प्रॉब्लम क्या है कि जॉब है, ट्रेवलिंग है, फैमिली है, और एक वीडियो देने के लिए ये नहीं पता कि अपनी जो तैयारी है, जो प्ले मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वो 2 घंटे पढ़ना पड़े, 3 घंटे पढ़ना पड़े, कितना पढ़ना पड़े। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक आपको लेक्चर नहीं मिलता, और आपको जो मैटर मिलता है वो ऑथेंटिक मिलता है। हर फैक्ट को मैं पहले कंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, दो तो बड़ा टफ जॉब है मेरे लिए निकालना, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा, अगर 2 लेक्चर मैं दे पाया तो आपको जरूर मैं दूंगा, लेकिन आप ये अश्योर रहिए कि आपको सिलेबस है वो आपको कंप्लीट मिलेगा। दीपशिखा लिखती है कि सर, GIC के लिए तैयारी कैसे करें? मैं कोई कोचिंग नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज हेल्प मी। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? देखिए दीपशिखा जी, तैयारी कैसे करें इस पर तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। वहां 2 लेक्चर हैं, तो GIC के लिए है और एक UPTGT PGT के लिए, दोनों ही मैंने स्ट्रेटजी बताई है, पहले आप उसको वॉच कर लें, उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। और आप कोचिंग नहीं ले रही हैं तो ये मानिए आपको जरूरत भी नहीं है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां आपकी सर्च पूरी हो जाती है और बिना कोई पैसा दिए हुए। क्लियर है? और आप कौन सी बुक ले, देखिए बुक के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट में जो भी बुक आपको मिले GIC के लिए स्पेशली, चाहे वो उपकार हो सकती है या डॉक्टर रंजीत सिंह की एक बुक आई है, आप इनमें से कोई भी एक ले लें और उसी से तैयारी कर लें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। पूरा कुछ तो बुक से नहीं आता है, कंपटीशन में पढ़ना तो आपको बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन आप इनमें से एक बुक आप ले सकते हैं। अनुराग ये लिखती हैं कि सर प्लीज गिव 10 मिनट वोकैब वीडियो ऑन डेली बेसिस इफ पॉसिबल। देखिए अनु जी, जो वोकैब पर वीडियो है वो आपको डेली बेसिस ही एक सीरीज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वर्ड पावर मेड इजी की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां 47 वीडियोज हैं, तो वहां वो डेली बेसिस सीरीज है, आप वहां से एक लेक्चर डेली देखें और आप उसको अगर देखेंगे तो 2-2.5 महीने में आपकी वोकैब भी 80% लगभग कवर हो जाएगी। भास्कर लिखते हैं कि योर वीडियोज आर वेरी नॉलेजिएबल, सर रिक्वेस्ट यू टू मेक वीडियो फॉर GIC, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हाउ मस्ट टू डू फॉर लेक्चरर TGT एंड PGT। भास्कर जी थैंक्स, आपने नॉलेजिएबल वीडियोज को कहा। और देखिए, अगर GIC की बात करें तो हाउ टू डू, कैसे हमें करना है, इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी पर एक वीडियो बनाया है। व्हेन टू डू, वैन का मतलब है भाई जो हम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, आप इसी में अपनी तैयारी मेरे साथ करते रहिए, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आप रिलेटेड जो मैटर है आप उसको तैयार कर लें। और हाउ मच टू डू ये भी फ्रेंड्स मैं बता ही रहा हूं, आप चैनल पर बने रहिए, सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। हरेंद्र जी लिखते हैं, सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बता दीजिए कौन सी बुक लेनी चाहिए PGT एंड GIC के लिए। हरेंद्र जी, अभी मैंने बताया है तो आप यहाँ TGT और GIC के लिए डॉक्टर रंजीत ले लें, या उपकार ले लें, या प्रकाश एक बुक है SN अरोड़ा की है, डॉक्टर अरोड़ा हैं उनकी बुक है, आप उसको ले लें। चलिए
चलिए आगे एक कमेंट है, अनीता यादव जी लिखती हैं कि योर वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, प्लीज गाइड एंड अपलोड ऑल वीडियोस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज आई हैव नो एनी सोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीआईसी लेक्चरर। देखिए अनीता जी, ये आपने हेल्पफुल कहा, इसके लिए आपको थैंक्स, और गाइड मैं आपको समय समय पर कर ही रहा हूं, और जो अपलोड ऑल वीडियोस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात है तो बहुत सारी लिटरेचर हम अपलोड कर चुके हैं, मुझे लगता है लिटरेचर पे अबाउट मोर देन 60 और 70 लेक्चर्स हमारे वीडियो लिटरेचर पर हो गए होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिलेगी, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मिलेगी, इसी के साथ साथ फिगर स्पीच मिलेगी, और वर्ड्सवर्थ मिलेगा, मिल्टन मिलेगा, और शेक्सपियर चल ही रहा है। तो इतना हो गया, आप इसको पढ़िएगा, बाकी आपको रेगुलर मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। चलिए आगे एक दीपू है, वो कमेंट करते हैं कि सर वर्ड पावर के लिए बुक सजेस्ट करें। देखिए फ्रेंड, वर्ड पावर के लिए आप सबसे पहले तो वर्ड पावर मेड इजी पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी बुक मैंने सॉल्व कर रखी है। आप बुक लेके पढ़ेंगे, आपको 4 घंटे पढ़ेंगे, आउटपुट आपको 10 मिनट का मिलेगा। आप 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट में ही 10 मिनट का आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ चैनल पर आपको जो वर्ड पावर मेड इजी है, आप उसको स्टडी कर जाइएगा पहले, इसके बाद जो बाकी बुक है वो मैं कराऊंगा। वी सईद लिखते हैं कि सर प्लीज बताएं कि टीजीटी की तैयारी के लिए कितने घंटे की स्टडी और करनी है। फ्रेंड्स, ये सवाल इन्होंने लिखा है, लेकिन इसका जो ये क्वेश्चन है वो सबके मन का क्वेश्चन है कि हम कितने घंटे की तैयारी करें। देखिए मैं कहता हूं हमेशा से ही कि जो एग्जाम है आपका और जो दुश्मन है उसको आप कभी भी हल्के में ना लें। दुश्मन को हराने जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, जितनी भी पॉसिबल हो जाती है। एग्जाम हमें बीट करना है, एग्जाम बीट करने के लिए 4, 5, 6 घंटे कम से कम डेली आप निकालिए, और इससे ज्यादा निकाल सकते हैं फार बेटर, क्योंकि हमें एग्जाम का कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता, हमें तो टॉप में वहां जगह बनानी होती है। तो फ्रेंड, जितने भी घंटे आप निकाल लेते हैं, सलाह तो मैं देता हूं कि कम से कम आप 6 घंटे तो स्टडी कीजिए, 6 से अगर ज्यादा निकाल रहे हैं तो मच बेटर, अदरवाइज 5 to 6 तो आप निकाल ही लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शैली मित्तल जी लिखती हैं और अक्सर ये कमेंट करती रहती हैं, तो शैली मित्तल जी आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये कह रही हैं कि सर शेक्सपियर कितना और रह गया है प्लीज बताएं। देखिए मैडम, जितने भी राइटर्स हैं, 25 ऑथर्स आपके जीआईसी में है, तो 25 में से 24 आप एक तरफ निकाल दीजिए और विलियम शेक्सपियर एक तरफ निकाल दीजिए, दोनों को बैलेंस कर लीजिएगा, दोनों बराबर हैं, यानी एक अकेला शेक्सपियर ही 24 राइटर के बराबर है। आप देख ही रही होंगी कि एक प्ले पढ़ने के लिए हमें 6 से 7 हमारे वीडियोस हैं वो हमें मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 घंटे में हम एक प्ले कवर कर पा रहे हैं, और कम से कम लगभग मैं जो सोच के चल रहा हूं कि 15 प्ले में आपको शेक्सपियर के करा दूं, और अगर आपने 15 कर लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप पेशेंस रखिएगा और तैयारी करती जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा लिटरेचर को, जो आप जब तैयारी करती जाएंगी तो सिलेक्शन भी आपका श्योर होगा। सुभाष जी लिखते हैं, सर क्या आप जीआईसी की तैयारी करवा रहे हैं, प्लीज टेल मी योर नंबर। देखिए फ्रेंड, तैयारी जीआईसी की ही चल रही है, और ये कॉमन तैयारी है, जो ऑथर आपको देख लेना है कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। ऑथर अगर सिलेबस में है तो कोई सा भी टीचर की तैयारी हो, आपको यही मैटर पढ़ना है। और फ्रेंड इसके बाद आप नंबर की डिमांड कर रहे हैं, देखिए नंबर की डिमांड बड़ी कॉमन है, आप सब लोग करते हैं, और नंबर में शेयर कर दूं डजेंट मैटर, लेकिन अगर नंबर शेयर कर दूं आप कॉल करेंगे मैं बात नहीं कर पाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड नंबर के लिए तो आपको मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सॉरी कहूंगा, लेकिन अगर फिर भी आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल के फेसबुक पेज पे आके वहां चैट कर सकते हैं, आपको और जो सॉल्यूशन है वो दे दिया जाएगा। आगे कमेंट है, नरेंद्र जी लिखते हैं और इन्होंने बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला कमेंट किया है, लेकिन डजंट मैटर, आप कमेंट सुन लीजिएगा। ये कह रहे हैं, नो लॉजिक इन ट्रांसलेशन ओरिजिनल बुक इनटू हिंदी, कि ओरिजिनल बुक का हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कोई मैटर नहीं है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एन ओरिजिनल बुक इन इंग्लिश कांट टीच एज अ लेक्चरर। कह रहे हैं आगे कि एक व्यक्ति जो ओरिजिनल बुक को नहीं समझ सकता वो लेक्चरर नहीं हो सकता, वो लेक्चरर की तरह नहीं पढ़ा सकता। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मेरी ऑडियंस हैं ये सब ओरिजिनल बुक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं,
इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं ओरिजिनल बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करके इनकी तैयारी को इजी बना रहा हूं। तो आप इनकी योग्यता पे शक ना करें, ये सब हैं और तैयारी कर रहे हैं और ये सब लेक्चरर भी बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी कहते हैं कि जब आपको देखता हूं, सुनता हूं, सत्य कहता हूं, आप भगवान कृष्ण की तरह कितने अर्जुनों की उंगली थामकर भरोसा दिला रहे हैं कि उठो, भय को त्यागो, युद्ध जीतो। और ये प्रदीप जी बड़े अच्छे कमेंट आप करते हैं चैनल पर। मैं सारे कमेंट्स में बता दूं फ्रेंड्स आपको, जितने भी कमेंट्स आप करते हो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। रिप्लाई सबका पॉसिबल नहीं होता, कुछ का मैं रिप्लाई वहीं कर देता हूँ, लेकिन जिनका शॉर्ट होता है, जिनका लेंदी रिप्लाई होता है, वो वहां पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको डेली एक लेक्चर देना है और डेली एक लेक्चर देना है तो मुझे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर अपलोड एडिटिंग सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं भगवान कृष्ण तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं और साधारण सा भी एक लर्नर हूं, नॉट ए टीचर बट ए लर्नर, एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अभी भी सीख रहा हूं। मैं मास्टर नहीं हुआ, शायद मुझे लगता है कि पूरे जीवन में मास्टर भी ना हो पाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं इस रास्ते पे चल के सफल हुआ हूं, तो क्यों नहीं आप इस रास्ते को ट्राई करते, मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको लेके चलता हूं। और आपकी मेहनत है, जितनी आप मेहनत करेंगे ईश्वर आपको उतना ही साथ देंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मेहनत कभी नहीं रखते। आप कितनी भी मेहनत कीजिएगा, जितनी आप कर सकते हैं कीजिएगा, और जब मेहनत कोई बच्चा करता है तो उसका पिता उसको शाबाशी देता, कहता ले बेटे आज बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ लिया, ले पकड़ 10 रुपए, जा टॉफी ले आ, तो उसका रिवार्ड उसको मेहनत का मिलता है। और हमारी मेहनत का रिवार्ड जो हमारे फादर हैं, अलमाइटी हैं, ईश्वर हैं, वो हमें देंगे। प्रवीण जी कहते हैं गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर। फ्रेंड बड़ा टफ काम है कॉन्टेक्ट नंबर देना, नंबर दे दूंगा तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा। तो आपको चैट करनी है, फेसबुक पेज पर आइएगा चैनल के, आप वहां चैट कर सकते हैं। किरण जी लिखती हैं कि किरण सिंह, ही और शी जो भी है, डजेंट मैटर, सर प्लीज लिटरेरी टर्म्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर करवा दीजिए। देखिए लिटरेरी टर्म्स अभी हमने नहीं किए हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम कर चुके हैं, चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पहली जो लिटरेचर की पहली क्लास है वो वहां हिस्ट्री ही है, वहां से आप हिस्ट्री प्रिपेयर कीजिएगा। और लिटरेरी टर्म्स की बात है, विलियम शेक्सपियर निपट जाए उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, फिर इतना काम हमारे पास नहीं बचेगा। उसके बाद कहेंगे पहले गार्ल्स वर्दी करा दूंगा, और चाहेंगे तो आप लिटरेरी टर्म्स करा दूंगा, जो कहेंगे वो हो जाएगा। सुचिता पाल जी लिखती हैं कि सर जीआईसी लेक्चरर की क्लास कब चलेगी? मैडम उठो जागो और आलस को त्याग कर तैयारी की तरफ जुट जाओ। क्लासेस चल रही हैं, पिछले 3 महीने से हम इस काम को कर रहे हैं, आप उठिएगा और इन वीडियोस को जल्दी से देखिएगा, एक प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रेटजी के लिए वीडियो पड़ा है चैनल पर, आप उसको देखिएगा और आप एक रूटीन बना के और डेली एक एक वीडियो देख के अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। निर्देश कुमार जी लिखते हैं कि सर हिस्टोरिकल प्ले करा दीजिए। फ्रेंड्स मैं बता दूं, लगभग 10 हिस्टोरिकल प्लेज विलियम शेक्सपियर के रहे हैं, उनमें से शायद ही किसी पे डिटेल में क्वेश्चन आया हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे हिस्टोरिकल प्लेस के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको एक ही एक दो वीडियो लेक्चर में करा दूंगा, अदरवाइज पूरा प्ले हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो क्यों टाइम हम वहां वेस्ट करें हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ने में। और अगर आपको 37 के 37 ही पढ़ने हैं तो डजेंट मैटर, पहले हम अपनी तैयारी कर लें टीजीटी पीजीटी लेक्चरर की, उसके बाद हम बाकी प्ले भी फुर्सत में कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत जल्दी ना कराएं, जो प्ले चल रहे हैं जिस ऑर्डर में मैं करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपका, उसी ऑर्डर में आपके प्लेज आपको मिल रहे हैं और हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको एंजॉय कीजिएगा, हिस्टोरिकल प्लेज में जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, वो आपको करा दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स यही जो कुछ कमेंट्स थे वो मैंने लिए, और फ्रेंड्स आप कमेंट करना जारी रखें, आपको आपके कमेंट्स का जो आंसर है वो श्योर मिल जाएगा। आई होप आपको ये कमेंट बॉक्स अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शाम को आपको वही एक अपना विलियम शेक्सपियर मिलने वाला है, फेमिलियर। और हाँ, विलियम शेक्सपियर पे आप बोर मत होइएगा, अभी बहुत सारा शेक्सपियर हमें पढ़ना है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है कि आप जो लिटरेचर को आप पहली बार आप
इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे होंगे। और मैं श्योर कह सकता हूं कि अगर आप लिटरेचर आपका बोरिंग सब्जेक्ट रहा है, तो आज के बाद इन लेक्चर्स को देखने के बाद ये जो सब्जेक्ट है आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन बन गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।